नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। मैं ग्राम सभा खेमपिपरा का निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री सुग्रीव पांडे है। मैं एक शिकायती पत्र में 8 पॉइंट पे दिया था। कृष्णकांत त्रिपाठी हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि ग्राम सभा खेमपिपरा में 76 घंटा JCB चलाया गया है और उससे साफ सफाई हुआ, जिसमें 1,19,000 का एक पेमेंट हुआ है और 1 महीने बाद 64,000 का एक पेमेंट हुआ है, जो कि फर्जी है। हमारे ग्राम सभा में ऐसा कोई नाली या नाला ही नहीं है जिसमें JCB चलाया जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पंचायत भवन है जिसमें दिखाया गया है कि 3 बार मिट्टी गिरा है, मैंने उसमें पड़ा है, जिसमें एक भी खांची या टाली मैंने मिट्टी नहीं गिरा है और उस पर लगातार कई बार पेमेंट हो चुका है। तीसरी समस्या है, हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 7.5 लाख का टाइल्स लगवाया गया, जिसमें काम हुआ है लेकिन 20,000 से 25,000 तक का उसमें टाइल्स लगा है, जो आप लोग खुद ही देख सकते हैं या माननीय जिलाधिकारी महोदय उसको जांच करा सकते हैं। मौके पे क्या है, कोई भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना नहीं हो। एक है कि एक पंचायत भवन प्रथम में शौचालय का पेमेंट कराएगा, जिसमें बेबी शौचालय, जो कि शौचालय वहाँ बना ही नहीं। उसके बाद 8 लाख का पेमेंट हुआ है जो मुंद्रिका के खेत से शमशान घाट तक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, जो मौके पर खुद ही देख सकते हैं कि वह इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ है। यही सब समस्याएं हमारे ग्राम सभा की जो मुख्य हैं, जिसमें ये 8 समस्या आपको हम दिखाए। रामदास हरिजन के घर के पास वाला भी, वो अभी 2 साल पहले माननीय प्रधान जी के द्वारा हैंडपम्प को उखड़वाया गया, अपने दरवाजे पर रख दिया गया लेकिन वह लगाया नहीं गया। जी प्रधान जी, आपके खेमपिपरा में कुछ ग्रामीण आपके ऊपर सरकारी धन के बंदरबांट का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी दिए हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो भी शिकायत किया गया है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का वो है और चुनाव नजदीक आ गया है और कुछ नहीं है, ये समस्त काम हुआ है और अच्छा से हुआ है, उसका जांच होगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। तो जी, जैसे आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। जी, आपका शुभ नाम? कृष्णकांत त्रिपाठी। जी, जैसे कि वहाँ जल निकासी, शौचालय, आवास के संबंध में भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई शौचालय के नाम पे भी कुछ पैसे लिए गए हैं, इस संबंध में क्या करना चाहते हैं? सब बेबुनियाद है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया है, जो भी कह रहा है वो राजनीतिक द्वेष के नाते कह रहा है। धन्यवाद। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।